नाउ वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम लोग लेने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, एक नया पोर्शन हम लोग ले रहे हैं। ये मैग्नेटिज्म में हम लोग डील करेंगे मैग्नेट्स के बिहेवियर के बारे में, कि मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या बिहेवियर है उनका। बार मैग्नेट हम लोग सबसे पहले इसमें समझते हैं कि बार मैग्नेट किसको बोलते हैं। बार मैग्नेट इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स होता है। इसमें दोनों पोल्स जो होते हैं, जैसे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये दोनों इक्वल और एंड अपोजिट नेचर के मैग्नीट्यूड होते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नेटिक पोल इसका हम लोग का पोल स्ट्रेंथ होता है, उससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ का आएगा। इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट कि इट इज़ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये बार मैग्नेट का डेफिनेशन हो गया। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड, मतलब कि अगर हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है तो ऐसा नहीं है कि इन पोल्स एकदम कोना कोना में है, वो कहीं हल्का सा एंड से थोड़ा सा पहले दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ से कुछ दूर पहले ही आपका पोल है और उससे भी थोड़ा सा पहले नॉर्थ पोल, एकदम एग्जैक्ट कोना में नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि जितना बार मैग्नेट का एग्जैक्ट लंबाई होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज उसका नाम हम लोग दे रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये लेंथ का नाम है ज्योमेट्रिकल लेंथ, लिख लीजिएगा एल जी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो ये देखा गया है कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो एल जी यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा कम होता है। इसको रिलेशन निकाला हुआ है, ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन है कि जनरली ऐसा देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल में जैसे बनता है जो मैन्युफैक्चर होता है बार मैग्नेट, तो उसमें देखा गया है कि एल ई जो है इफेक्टिव लेंथ वो 5/6 ऑफ एल जी यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। अगर इसी तरह से हमारे पास ये हॉर्सू मैग्नेट है, इसको हम लोग हॉर्सू मैग्नेट बोलते हैं क्योंकि ये घोड़े के नाल के जैसा है। इसमें आपका साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इसके बीच में अगर हम लोग जो इफेक्टिव लेंथ होगा, वो इफेक्टिव लेंथ हमारा कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा जी, यही वाला डिस्टेंस होगा ना, तो ये 2r हो गया। लेकिन ज्योमेट्रिकल लेंथ अगर देखें तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ होगा। और ये अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में हम लोग जानते हैं फुल सर्कल होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का πr, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ यहाँ पे πr है और आपका जो शॉर्टेस्ट लेंथ इसको इफेक्टिव लेंथ बोल रहे हैं वो 2r है। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको नोट करो। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा पोल स्ट्रेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट मटेरियल्स टुवर्ड्स इट्सेल्फ इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। मतलब क्या है कि कोई मैग्नेट अपने तरफ मटेरियल को कितने फोर्स या कितने स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। इसका क्वांटिटी देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ कन्वेंशनली हम लोग नॉर्थ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को, सॉरी नॉर्थ पोल को प्लस एम से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और साउथ पोल को माइनस एम से कन्वेंशनली ये मान लिया गया है, ठीक है। इसमें पीछे कोई रीज़न ऐसा नहीं है पर्टिकुलर। एसआई यूनिट देखें तो एम्पियर मीटर आता है। एम्पियर मीटर कैसे इसका एसआई यूनिट आ गया, तो ये देखो एक होता है कैपिटल एम जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कैपिटल एम क्या होता है बच्चा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है उसका फॉर्मूला था एम बराबर एन आई ए, याद है। और साथ ही साथ एम का जो है अभी फॉर्मूला आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो ये हो गया दो फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो जब इक्वेट करोगे तो स्मॉल एम का फॉर्मूला देखो, एम इंटू टू एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन आई ए आएगा कि नहीं। और एम का फॉर्मूला अगर निकालोगे तो एन आई ए अपॉन टू एल आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आई से एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर का एक मीटर तो गया, बच गया एम्पियर मीटर, तो यही है एम्पियर मीटर एसआई यूनिट इसका। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन, पोल स्ट्रेंथ फिर किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल टेकन। केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा और किस तरह का मटेरियल लिए हुए हो उस पे डिपेंड करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, यानी मैग्नेट कितना लंबा है, कितना उसका लेंथ है, उस पे डिपेंड वो नहीं करता है। मैग्नेट का अगर दो साइज का मैग्नेट है, एक चौड़ा अगर मैग्नेट है तुम्हारे पास, इसका एरिया देखो कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो
इस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ना कि उसके लेंथ पे। लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है पोल स्ट्रेंथ। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो जल्दी से। हमारे पास डिस्कशन के लिए है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैपिटल एम से। पीछे हम लोग पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किए थे। कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है पोल स्ट्रेंथ। किसी भी एक पोल का वैल्यू ले लो, या तो नॉर्थ या तो साउथ, क्योंकि दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम ही होगा। एक बार मैग्नेट में दोनों का पोल स्ट्रेंथ तो सेम होगा ना, कोई भी एक, आइदर एनी पोल स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ। उसके बीच का जो इफेक्टिव लेंथ हम लोग निकाले थे पीछे, वो सीखे थे, वो इसको लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। वो स्केलर था पोल स्ट्रेंथ, लेकिन ये वेक्टर है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, याद करो जब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते थे, याद है? उसका भी डायरेक्शन आपका किधर होता था? डायरेक्शन उसका अगर हम लोग देखते थे तो जनरली माइनस टू नेगेटिव टू प्लस होता था, है ना? तो उसी तरह से यहाँ भी तुम देख लो, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका भी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। और साउथ को हम लोग कन्वेंशनली अभी अभी जस्ट उसका जो साइन दिए थे वो माइनस एम दिए थे। तो ठीक उसी तरह से माइनस टू प्लस है, यानी माइनस एम टू प्लस एम, साउथ टू नॉर्थ। ये हो गया डायरेक्शन के बाद। अब हमको निकालना अगर वैल्यू है इसका कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ क्या है एन आई ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, एंड इट इज द एरिया ओवर विच वी आर फाइंडिंग। जैसे अगर करंट कैरिंग क्वाइल है हमारे पास, जैसे एक क्वाइल है जो करंट कैरी कर रहा है, तो इसके में अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगा दें और इसको हम लोग रोटेट करें, तो देखिएगा कि आपका थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हम लोग दिखाया हुआ है साइन में। और इसमें हमारा अगर वैल्यू निकालना हुआ तो करंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा, एरिया हम लोग यहाँ आराम से निकाल सकते हैं इसका रेडियस लेकर के, पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग इस तरह से किसी का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो एन आई ए होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का। इसके बाद है कि अगर दो मैग्नेट है किसी प्लेन में इंक्लाइंड है, सपोज दी हमारा दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट इंक्लाइंड है, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो दोनों फैक्टर है, दोनों का एक रिजल्टेंट जरूर आएगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मान ले रहे इधर, ये थीटा प्लेन से अगर मान लो इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो हम लोग वही वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो 11th में पढ़ा हुआ है, जो आपका फॉर्मूला होता है नेट का। नेट वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्या? रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू एम वन एम टू कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा एटम्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। हम लोग अब एटम को कंसीडर करेंगे कि वो मैग्नेटिक डायपोल की तरफ बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये करंट कैरिंग क्वाइल बन जाएगा। जब हमारे जानकारी में है कि ये न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये हमारा बोर का थ्योरी है कि एक ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ पर्टिकुलर सेल में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बताओ इसमें अब ये डेवलप होगा कि ये मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, क्योंकि जब हम लोग करंट डेवलप होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसके बाद जैसे फिर यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लगेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल एन आई ए। अब यहाँ पे जो करंट डेवलप हो रहा है ये मान के चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके वजह से करंट डेवलप हो रहा है, तो ये आई जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा यहीं तक रहने दो अभी पहले, फिर आई जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज अपॉन टाइम। आई बराबर क्यू बाई टी होता है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्यू ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन को और अपॉन टाइम। तो अब इसके वजह से हम लोग का टाइम जो होगा, सर्कुलर ऑर्बिट है इसका, रेडियस मान ले रहे हैं हम लोग आर, तो जो हमारे पास टाइम है वो वैल्यू देगा टाइम का टू पाई आर, पूरा रोटेट करने में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, अपॉन इसका जो एक ऑर्बिटल स्पीड है जो वी है वो नीचे डिवाइड जाएगा टाइम के जरिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टी के लिए हम लिख सकते हैं टू पाई आर अपॉन वी, ये वी ऊपर चला गया तो हो गया ई इंटू वी अपॉन टू पाई आर, ये हो गया आपका आई का वैल्यू। ठीक है, एरिया के लिए क्या लिखेंगे बोलो? एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो m बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला? n इंटू आई की जगह रखो ई वी अपॉन टू पाई आर इंटू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर।
तो इसमें हमारे पास, अच्छा ये आर स्क्वायर कैपिटल ले लिए ना, स्मॉल लो क्या दिक्कत है, एक ही रखो आर स्क्वायर रखो स्मॉल, ठीक है। अब ये देखो एक आर से एक एक तो कम से कम कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास, एन इंटू ई वी अपॉन टू ना, आर हो गया और अपॉन टू, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब बताना जरा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व्ड माना जाता है, डेट इज इक्वल टू एम वी आर। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर, लीनियर मोमेंटम इंटू आर वेक्टर, तो एम तो हो गया लीनियर मोमेंटम और इंटू आर, तो एम वी आर आ गया एंगुलर मोमेंटम। अब ये देखो एम वी आर की जगह जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं एम जो है क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का मास है इंटू वी, और ये रेडियस आर ही यहाँ पे है इस कंडीशन के लिए वो लिखा गया। अब देखो इस एक्सप्रेशन को यदि हम यहाँ पे एम वी आर यहाँ लाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे उसको हम लोग अगर एम ई से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ कर रहे हैं आगे देखो एम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग, इजक्वल टू कितना आया था एन ई वी आर अपॉन टू आया था ना, उसको ऊपर नीचे हम लोग एम ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत कर सकते हैं ना। अब ये बताओ कि एम ई इंटू वी आर ये मिल करके क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम हुआ कि नहीं, तो लिख सकते हैं एल इंटू एन ई अपॉन टू एम ई, और अगर एल को हम यहाँ नीचे ले आए एम के पास तो हमारे पास आगे का रिलेशन क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं आगे का रिलेशन इसमें लास्ट में फाइनली, एम अपॉन एल, एम अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई टू एम ई। तो दिक्कत यहाँ तक, ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर बहुत अच्छे से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ भी दिक्कत आने लगेगा तो ये क्वेश्चन ये एप्लीकेशन हर जगह पॉसिबल है, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, इसी जगह पे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ वेक्टर अगर लगा दिए तो एल जो है वहाँ वेक्टर लग जाएगा और ये साइन इलेक्ट्रॉन का माइनस आ जाएगा, ये साइन इलेक्ट्रॉन का माइनस आ जाएगा क्योंकि हम लोग साइन अब देंगे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया है एम अपॉन एल इज इक्वल टू एन ई अपॉन टू एम ई। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एन क्या हो गया नंबर ऑफ दैट टर्न्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस टर्न्स को तो हम एक ही मान रहे हैं, तो अगर इसको हम लोग फाइनल और लिखें, जैसे सेल तो एक ही बना हुआ है ना, तो एक बार हम लोग एन हटा सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली, तो एम बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन टू एम ई, ये फाइनल फॉर्मूला बन के यहाँ पे आ रहा है, ये याद रखना तुम लोग, दिख रहा है जी, तो ये याद रखना, पहले नोट कर लो इतना सारा। अब देखते हैं हम लोग ये मिटा देते हैं, इसको पूरा नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आया उसको थोड़ा सा देखते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया बताइए, वेक्टर फॉर्म में, अच्छा हम लिख देते हैं ठीक है, एक बार पहले वेक्टर फॉर्म में हम लोग पहले लिखेंगे अगर, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आया था m इज इक्वल टू ई बाई टू एम माइनस दे दे रहे हैं इन टू एल वैक्टर, यह आया था कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि l इज इक्वल टू होता था एन एच अपॉन टू पाई, ये है फ्रॉम कहाँ से है ये एप्लीकेशन, l बराबर एन एच बाई टू पाई, एंगुलर मोमेंटम का जब हम लोग एटम पढ़ते हैं तो फ्रॉम एटॉमिक मॉडल ये आता है, फ्रॉम एटॉमिक मॉडल ये वैल्यू आता है कि जो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है वो है एच बाई टू पाई, एच बाई टू पाई, और उसी का मल्टीपल में होता है, एन क्या हो गया यहाँ पे मल्टीपल हो गया, यानी कि वन टू थ्री फोर ऐसे चलते चला जाता है नंबर ऑफ, जैसे जैसे आप ऑर्बिट पर जाइएगा, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इसका ये वैल्यू रख दें वहाँ पे L के जगह एन एच बाई टू पाई, तो M बराबर क्या आ जाएगा, E बाई टू एम इन टू एन एच बाई टू पाई, ये आएगा कि नहीं। और अगर हम यहाँ पे N का वैल्यू वन रख दें तो मिनिमम मिनिमम डायपोल मोमेंट जो होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो कितना आना चाहिए,
m बराबर आएगा, ये हम लोग इसको 1 रख दे रहे हैं तो हमारे पास वो तो हट गया, eh अपॉन 4πm, ये आ गया वैल्यू मिनिमम डाइपोल मोमेंट। और इसको बोला जाता है मिनिमम डाइपोल मोमेंट को, इसका इसी को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन, इस वैल्यू को बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, ई का वैल्यू रख दो कितना 1.6 × 10⁻¹⁹, एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 × 10⁻³¹, और 4π ये सब तो वैल्यू रख दोगे, एम इलेक्ट्रॉन का मास रख दो। ठीक है, तो ये सब जब रख दोगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा m इज इक्वल टू 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ आई, और इसी को बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली में किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट म्यू बी से, इसी को म्यू बी से लिखा जाता है। ठीक है, ये है बोर्स मैग्नेटॉन म्यू बी। ठीक है, इतना नोट करो। तो जैसे हम लोग इससे पहले क्या डिस्कस हुआ था इलेक्ट्रोस्टेट में, याद है इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, प्लस क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज था, और उससे फिर हम लोग जो है मान रहे थे कि 12 डिस्टेंस पे है, इसके वजह से हम लोग देखते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ देखते थे, एक एक्सियल पोजिशन पे और एक इक्विटोरियल पोजिशन पे। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है क्या है बताइए, डाइपोल है, कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको प्लस एम बोलें इसको माइनस एम बोलें, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वही एक्सियल पोजिशन पे और इक्विटोरियल पोजिशन पे। ठीक है, तो याद करते हैं फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बोलो 1/4πε₀, यहाँ पे 2π/r³ हो जाता था, और यहाँ पे होता था 1/4πε₀p/r³, आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर होगा क्यूब होगा, क्यूब होगा, क्यूब ही होगा। ठीक है, देख लेना एक बार बढ़िया से तुम लोग फॉर्मूला। अब इसी तरह से एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे, ये डेरिवेशन कैसे करते थे याद है, एक्सियल पोजीशन पे लेते थे ना किसी पॉइंट पी पे, हम लोग यहाँ से मानते थे एक सेंटर है, सेंटर से उसका लेंथ मानते थे कितना, मान लो डिस्टेंस हम लोग मान लेते थे उसका आर डिस्टेंस पे है, तो हम लोग बोलते थे ये आर है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा एल प्लस आर, और फिर यहाँ से हो जाता था इस पोजीशन से हो जाता था एल माइनस आर। ठीक है, तो ये सारा डेरिवेशन से एक बार पलट के तुम लोग पहले वहाँ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखना, वहाँ से एक बार रिवाइज करके आना, तब यहाँ पे जैसे वहाँ बनाए थे वैसे सेम टू सेम डिट्टो यहाँ छापना है। केवल क्या हो जाएगा, माइनस एम प्लस एम ये सब अप्लाई होगा, मैग्नेटिक जो आप लिखे हो डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, पूरा सिमिलर है, सेम चीज़ है। तो हम यहाँ डिराइव नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को वहाँ पे एक बार खुद से कर लेना। ठीक है, और ऐसे भी अगर बता दें तो सिलेबस CBSE जो कोरोना की वजह से हटाया है उसमें ई वाला पोर्शन आउट कर दिया है, हटा दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिखते हैं इसका कितना वैल्यू देता था ये। ठीक है, हम इसको पहले इलेक्ट्रिक वाला मिटा देते हैं और इसको फिर पहले हम फ्रेश करके एक बार लिख देते हैं रिजल्ट इसका क्या होता है डायरेक्ट। ठीक है, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन अगर एग्जाम में बाय द वे अगर आ जाए, मान लो कह तो दिया है लेकिन फिर भी मान लो अगर आ गया, तो सिमिलर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला किए थे ना वैसा बिल्कुल सिमिलर है एकदम यही मैग्नेटिक फील्ड का, आप लोग कर लोगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार देखते हैं रिजल्ट इसका। मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नेट था, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हम लोग किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं पी पॉइंट पे, तो इसका अगर मान लीजिए ये 12 है डिस्टेंस, तो इसका सेंटर से मान रहे हैं क्या कि ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर सेंटर से डिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं इसका आर, सेंटर से डिस्टेंस आर मान रहे हैं, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा बोलो, एल प्लस आर, और यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा एल माइनस आर। फिर उसी तरह से वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट पी पे अगर हम देखें ड्यू टू नॉर्थ पोल, अच्छा हम कुछ कुछ कर ही दे रहे हैं, डेरिवेशन का कुछ पोर्शन तो हम कर ही दे रहे हैं,
ठीक है, समझ लो। देखो बच्चा इधर, नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और साउथ पोल के डायरेक्शन में इस तरफ होगा। यानी अगर इधर एक्स एक्सिस मान लें और इधर मान लो कुछ नाम तो दिया हुआ एस है, तो नॉर्थ पोल की वजह से किधर लग रहा होगा? अलोंग पी एक्स, पी एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा। और कितना वैल्यू उसका होगा बताओ? म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू एम अपॉन, नीचे में डिस्टेंस कितना है जी पी पॉइंट का नॉर्थ से, एल प्लस आर का होल स्क्वायर, एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्या, साउथ पोल, साउथ पोल के वजह से अगर तुम निकालोगे तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग पी एस, अलोंग पी एस डायरेक्शन में लगेगा इस तरफ, और इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू एम अपॉन एल माइनस आर का होल स्क्वायर। सब तो कर ही दे रहे हैं, डेरिवेशन का ही पार्ट है समझो। अब देखो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, यही तो निकालना है। तो नेट निकालने के लिए क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो ये वाला वैल्यू क्या है, ये वैल्यू कम है क्योंकि नीचे में देखो प्लस वाला है, डिनोमीटर ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, यानी कि हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू आएगा तुम्हारे पास म्यू नॉट बाई फोर पाई, एम कॉमन ले लो तो वन माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस वन बाई एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आएगा। और जब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस आ जाता है, एक्सिस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसका हो जाता है वैल्यू कितना, म्यू नॉट बाई फोर पाई, जैसे वहाँ पे आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके लिए हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा टू एम इंटू आर, एम क्या आ गया, एम हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको सॉल्व करना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे और एलसीएम में अगर तुम लिखोगे एल माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर, तो वो होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो हो जाता है। तो यहाँ पे एल माइनस आर स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर आ गया, क्लियर है यहाँ तक? ये वैल्यू आ जाएगा एक्सियल का, इसको ही हम लोग डायरेक्ट अभी अपना कॉपी में उतार ले रहे हैं। सॉल्व करना है पूरा तो ऐसे सॉल्व कर लेना, लेकिन यूज़ का नहीं है इसीलिए हम इसको ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इस सब निकालने का जो है वैल्यू हटा दिया है, बार मैग्नेट की वजह से हटा दिया, इसकी वजह से उसको ही मत हटा देना, वो है लेकिन इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट है, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, तो इसका डायरेक्शन भी नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो इधर ही होगा, अलोंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिधर है उधर ही इसका भी होगा, बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर लगता है, साउथ से नॉर्थ, उधर ही होगा। अच्छा अब देखते हैं ऐसे डायरेक्शन, ऐसे डायपोल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका जो लेंथ है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू आर डिस्टेंस, जहाँ निकालना चाह रहे हैं वो आर डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, जबकि जो मैग्नेट है उसका डिस्टेंस, खुद का डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो क्या करोगे, एल को इग्नोर कर दोगे, एल इग्नोर हो जाएगा तो एल स्क्वायर खत्म हो गया, आर स्क्वायर का पावर टू यानी आर पावर फोर हो जाएगा, और ऊपर में एक आर है तो नीचे कट के आ जाएगा आर का पावर क्यूब। तो फॉर्मूला हो जाएगा वही जो अभी हम लोग जस्ट ऊपर में अभी लिख रहे थे इससे पहले, फोर पाई टू एम इंटू आर, आर कट गया तो नीचे क्या बच गया, आर क्यूब। यही फार्मूला, ऐसा ही फार्मूला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते थे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू इंटू पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे भी वही है म्यू नॉट बाई फोर पाई, क्योंकि वहाँ तो हम लोग म्यू नॉट बाई फोर पाई नहीं ना लेंगे, यहाँ चेंज हो जाता है ना, तो म्यू नॉट बाई फोर पाई टू इंटू एम, वहाँ था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और नीचे में आर क्यूब, वहाँ भी आर क्यूब नहीं, यहाँ भी आर क्यूब, कोई दिक्कत? तो ये हो गया एक्सियल वाला, ये एक्सियल का हम ऐसे सॉल्व किए, इसको पहले नोट करो ए नंबर डाल के एक्सियल। एक चीज़ यहाँ करेक्शन कर लेना थोड़ा, यहाँ हम लोग पहले एल माइनस आर लिख दिए थे, ये आर डिस्टेंस बड़ा वाला है तो ये तो आर माइनस एल होगा ना, तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ जब इसको हम लोग पूरा सम करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर लेना, और वहाँ पे भी आ जाएगा आपका, चेंज कर लो थोड़ा सा, चेंज कर लो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा फाइनल, ये ठीक है, ये तो वही रहेगा, ठीक है नोट कर लो। तो अब हम लोग एक्सियल के लिए देख लिए, अब इक्विटोरियल पोजीशन के लिए बताते हैं, बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते आए थे।
इक्विटोरियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ये वैल्यू आएगा। फिर जब हम लोग बात करेंगे कि आर डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है एल से, यानी एल लेंथ से काफ़ी बड़ा है, तो एल हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर, आर हम लोग रखेंगे, तो एल इग्नोर हो गया, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 कट जाएगा, आर पावर 3 हो जाएगा। तो बी जो है इक्विटोरियल पोजिशन पर आ जाएगा आपके लिए वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर का पावर 3, ये वही वैल्यू है ना, ऐसा ही वैल्यू आता था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ते थे तो 1/4 pi epsilon naught ऊपर में लिखते थे पी अपॉन आर क्यूब, क्लियर है। अब डायरेक्शन देखो यहाँ पे, इसके लिए एक डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन का अपोजिट। क्यों, जैसे कि हम लोग जैसे देखे देते हैं डायग्राम बना के एक बार, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, हमको किसी इक्विटोरियल पोजिशन पर मान लो यहाँ पर निकालना है इस पॉइंट पी पे, देखो एक बार डायग्राम समझ लो, तो नॉर्थ के वजह से यहाँ पे डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से इधर साइड लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ के वजह से आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से इस तरफ लगेगा, और दोनों का जब कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट इसका और ये कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, तो नेट कंपोनेंट तुम्हारे पास ये आ जाएगा इस तरफ दोनों का, ये मान लो फील्ड वन है नॉर्थ पोल की वजह से मान रहे हैं इसको हम लोग, इसको मान लेते हैं B1, तो ये हो जाएगा B1 cos थीटा, इस तरफ थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा B2 cos थीटा, तो नेट तुम्हारे पास जो B आएगा, B नेट कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के B1 cos थीटा + B2 cos थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा जब डायरेक्शन देख रहे हैं तो किधर नेट डायरेक्शन है, नेट का डायरेक्शन इधर ही है ना, B नेट का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, तो देख रहे हैं इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं। तो ये पूरा बात आपको समझ में आना चाहिए कि डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग समझ गए, पोल स्ट्रेंथ हम लोग समझ गए, अलग अलग केसेस में हम लोग देख लिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एटम को एज अ मैग्नेट हम लोग समझें, जिसको हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू 9.27 × 10^-24 आया एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एक्सियल पोजिशन पे इक्विटोरियल पोजिशन पे सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वैसे ही आया, तो ये सारा कंडीशन है, इसको आप लोग समझिए मैग्नेटिज्म को। अब हम लोग लेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल पर बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक, जैसे कि फेरोमैग्नेट क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस क्या समझो कंसेप्चुअल लेंगे, क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आते हैं तो उस पर बेस्ड हम लोग करेंगे, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म पर हम लोग जाएंगे। ये दो टॉपिक हमारे पास रह गया है, तब तक इतना नोट कीजिए आप लोग।